नाजरीन, बहादुरपुरा पीएस हुदूद में किशन बाग असद बाबा नगर के मुख्तलिफ मोहल्ले के 52 बच्चों को चबूतरे पर बैठने वाले नौजवान को पकड़कर इनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग की। इस मौके पर डीसीपी सैयद रफीक और इंचार्ज एसीपी बिक्षम रेड्डी और सीआईडी दुर्गा प्रसाद ने काउंसलिंग की और वार्निंग दी कि फिर अगर चबूतरा मिशन ऑपरेशन में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की ये खास रिपोर्ट। देखते रहे जेबीटीवी न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद सिटी में ऑपरेशन चबूतरा कहो आप, ऑपरेशन चबूतरा मिशन कहो, ये आज से फिर से स्टार्ट हो गया। क्योंकि इस बीच में आपको देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे यूथ अपने अपने महलों में, रोडों पे तो नहीं फिर रहे लेकिन महलों में चबूतरों पे बैठना, दंगा फसाद करना, झगड़े करना, और इसी सिलसिले में एक मर्डर भी हो गया अफगानपुर के लड़के का, और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट है। और पब्लिक की मांग है कि ऑपरेशन चबूतरा फिर से स्टार्ट करो तो ठीक रहेगा। तो सीनियर ऑफिसर्स डिस्कशन करने के बाद में हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि आज से गली गली फिरने का, जो भी बच्चे इवनिंग 6 के बाद में चबूतरों पे बैठेंगे उन लोग सबको लेके आके पहले तो काउंसलिंग करेंगे 2-3 दिन। ये सब लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे हमारे पास में। जो भी लड़का दूसरे बार हमारे को मिलेगा उसके ऊपर में फिर लीगली कार्रवाई करी जाएगी। और हम लोग आप पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को आप ताकत कर लो और अपने अपने घरों में बिठा लो। बाहर पकड़ेंगे तो अननेसरी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाते हैं। जो भी पेटिकेस भी रहेंगे हम पेटिकेस को भी ऑनलाइन में रखेंगे, फिर फ्यूचर में कोई नौकरी मिलने के वास्ते या कोई फॉरेन जाने के वास्ते प्रॉब्लम पड़ता है। इसलिए आज से ये ऑपरेशन चबूतरा स्टार्ट हो गया। रात को जो 50 लोगों को लेकर आए हम बच्चों को, और उनके पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट था और उन लोग अभी खुश है। अभी अभी काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों को और एक आधे घंटे घंटे में बच्चों को अपने अपने घरों पर भेज देंगे। थैंक यू। अब अगर जो तो कल से जो चबूतरा मिशन चालू होगा, आपका जो लॉकडाउन के टाइमिंग में जो भी बाहर फिरेंगे, जो भी पकड़े जाएंगे, तो उनके ऊपर क्या केस रुकेंगे, क्या सेक्शन लगेंगे? जो बाहर फिरेंगे टाइम के बाद में इवनिंग 6 के बाद में उनके ऊपर कंपलसरी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेक्शंस रहते हैं। एक्ट तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केसेस बुक करेंगे, और जो अपने अपने चबूतरों के ऊपर में बैठ के करते हैं ये लोग, तो दूसरा केसेस लगते हैं। सर थोड़े थोड़े लोग ऐसे, थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो जो घर के बाहर चबूतरों में बैठते हैं, मकानदार जो घरों के ओनर से वो लोग बोलने के बावजूद ही वो लोग उठ के नहीं जाते, तो ऐसे लड़कों से घर वाले डरते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे घर वालों के लिए, वो डायरेक्ट किए कंप्लेंट करें या कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 डायल 100 करें तो बस बच्चे सब लोग देख लेते हैं।